परवीन कहाँ हैं? ये सवाल सबके जहन में कौंध रहा है, लेकिन इसका जवाब किसी के पास नहीं है। यूपी पुलिस न जाने कब से उसकी तलाश में है, उसके ऊपर इनाम घोषित कर रखा है, लेकिन अब तक ये नहीं पता लगा पाई है कि आखिर शायस्ता परवीन कहाँ चली गई। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि वो इद्दत में हैं, तो वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि वो अंडरग्राउंड हो गई हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर उसकी लोकेशन को यूपी पुलिस क्यों ट्रेस नहीं कर पा रही। हालांकि इन सबके बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर यह है कि शायस्ता परवीन को माफिया घोषित कर दिया गया है। जी हाँ, जो FIR दर्ज कराई गई है शायस्ता परवीन के खिलाफ, उसमें माफिया शायस्ता परवीन लिखा गया है। और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शायस्ता परवीन की मुश्किलें आने वाले दिनों में कितनी ज्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि इनाम राशि को भी डबल कर दिया गया है, अब उसे माफिया बना दिया गया है। ऐसे में उस पर जो शिकंजा है वो बहुत तेजी से कसता जा रहा है, और ऐसे में जब वो पकड़ में आएगी तो उस पर कार्रवाई भी उतनी ही तेजी से होगी। हो सकता है उसके लिए सबसे बेहतर अभी यही हो कि वो सरेंडर कर दे और उसके बाद उसे कुछ रियायत मिल जाए, लेकिन कहा यह जा रहा है कि वो शार्प शूटर साबिर के साथ है। आप जानते हैं साबिर पर 5 लाख का इनाम घोषित है। आरोप ये लग रहा है कि शायस्ता परवीन और साबिर एक साथ हैं और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा है कि शायस्ता परवीन सरेंडर नहीं करेगी, बल्कि वो अपने पति, अपने लड़के और अपने देवर और जिस तरीके से उसका पुनबा खत्म हुआ है उसका बदला लेगी। तमाम तरह की रिपोर्ट सामने आ रही है, लेकिन सवाल एक ही है कि शायस्ता परवीन कहाँ है। दूसरा सवाल ये है कि वो कब तक पकड़ में आएगी, लेकिन इनके जवाब किसी के पास नहीं है। आपको बता दें 24 फरवरी को प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड हुआ था, जिसमें अतीक, उसका परिवार और उसके गुर्गे नामजद हुए थे। एक एक करके योगी पुलिस कार्रवाई कर रही थी कि अतीक और अशरफ को गोलियों से भून दिया गया, गोलीकांड में इनकी हत्या कर दी गई और इनकी मौत हो गई। उसके बाद अगर बात करें अतीक के लड़के असद की, जो इस केस में मुख्य आरोपी था, गुलाम जिसने गोली चलाई थी, इन दोनों का एनकाउंटर हो चुका है। इसके अलावा उस्मान का भी एनकाउंटर हो चुका है, अरबाज का एनकाउंटर हो चुका है। पुलिस अब तक कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, शिकंजा कसा जा रहा है, लेकिन शायस्ता रातों रात कहाँ चली गई? देखिए, शायस्ता परवीन वही है जो अतीक अहमद के लिए CM योगी से गुहार लगा रही थी, CM योगी की तारीफ करते हुए मीडिया को इंट्रोड्यूस दे रही थी। फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि शायस्ता रातों रात गायब हो गई? बहरहाल, अब जिस तरीके से उसे माफिया घोषित किया गया है, उसे लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।